हर हर महादेव। कोलकाता पश्चिम बंगाल से शुभम सिंह जी हैं, इनका प्रश्न है कि भगवान को भोग लगाने के लिए कौन सी मुद्रा दिखानी चाहिए, कृपा कर हमें इसके बारे में बतलाइए। देखिए, लिखा हुआ है यथा देहे तथा देवे। जैसा व्यवहार हम अपने देह में करते हैं, अपने शरीर के लिए, अपने लिए करते हैं, वैसे ही भगवान के लिए, अर्चा विग्रह के लिए, देवताओं के लिए, मूर्ति के लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें भी अपने ग्रास कैसे खाना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए। हमारे यहाँ गृह सूत्रों में भोजन सूक्त है, भोजन सूत्र है कि भोजन कैसे किया जाए, इसका भी सूत्र बनाया गया है कि ऐसे 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 भोजन करना चाहिए। तो भोजन करने की विधि शाखा भेद से अलग अलग है। वेद की हर शाखा वालों के लिए अलग अलग, शाखा वालों के लिए भिन्न भिन्न, शाखा वालों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से भोजन करने का विधान किया गया है। तो पारस्कर गृह सूत्र में जो कि वाइष्णेयों क्या है, यानी कि शुक्ल यजुर्वेदी माध्यान्दिनी शाखा वालों के लिए है, तो इसमें भोजन सूत्र के दूसरी कंडिका में जो सूत्र है वो देखिए। सबसे पहले अपने लिए पंच प्राणाहुति है। भोजन की विधि तो बहुत लंबी है, ये इसमें बतला रहे हैं मुद्राओं का। तो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहो, दानाय स्वाहेति क्रमम याग्वल्क्यो मन्यन्ते। उदानाय स्वाहेति सौनक बौधायनौ। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा और उदानाय स्वाहा, ये भगवान याग्वल्क्य ने ये क्रम माना है। और अंतिम में उदानाय स्वाहा कहना ये सौनक और बौधायन का मत है। तो कहते याज्ञवल्क्यो जितक क्रमो वाजसनेई नाम। याज्ञवल्क्य जी के द्वारा कहा गया ही क्रम वाजसनेयों के लिए, माध्यान्दिनी शाखा वालों के लिए है। तो इसमें कैसे कैसे ग्रास खाना चाहिए तो बतला रहे हैं आगे कि अंगुष्ट प्रदेशनी मध्यमा भी प्रथमाम। पहली जो ग्रास मुद्रा है वो अपना भोजन किया जाता है तो ये जो इन उंगलियों से कहते हैं अंगुष्ट और प्रदेशनी और मध्यमा, इन उंगलियों से भोजन करना है। पहला ग्रास इनसे खाए हर व्यक्ति, तो भगवान को भी ये मुद्रा पहले रूप में दिखाई जाती है। इसका नाम है प्राण मुद्रा, प्राणाय स्वाहा। अब दूसरी, दूसरा क्या था, अपान। तो इसके लिए कह रहे हैं अंगुष्ट मध्यमा नामिका भी। अंगुष्ट मध्यमा और अनामिका, इनसे दूसरी मुद्रा है अपान। और बयान में अब ये छूट जाएगी, ये तीन आ जाएंगी। देखिए अंगुष्ठा नामिका कनिष्ठिका भी तृतीयां, प्राण अपान और व्यान। अब ये चौथी आ रही है समान। तो कनिष्ठिका तर्जन्यंगुष्ठैः चतुर्थी गुं, चतुर्थी कनिष्ठिका, अंगुष्ठ और तर्जनी, ये चौथी है। इनसे लेकर के चौथी बार खाना चाहिए। हम लोग नित्य प्रति करते हैं ऐसे, तो हमारे अभ्यास में कनिष्ठिका तर्जन्यंगुष्ठ चतुर्थी और सर्वाभिरंगुली भी सांगुष्ठा भी पंचमीम, और फिर सभी उंगुलियों से लेकर के अंगूठा सहित ये लेना, ये पांचवी, यानी उदानाय स्वाहा। तो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा और उदानाय स्वाहा। इस तरीके से देवता को दिखाना, प्राण अपान व्यान समान और उदान।
इसी तरीके से खुद भी खाया जाता है। तो भोजन की ये मुद्रा है। देवता को जो भोजन लगाए भोग लगाया जाता है, इसकी सामान्य विधि देखिए अब, कि देवता के सामने चौकोर मंडल कर दिया जाता है जल के द्वारा। ब्राह्मण हो तो चौकोर मंडल करे, क्षत्रिय हो तो जो है त्रिकोण मंडल करे, और वैश्य है तो गोल मंडल करे, और शूद्र है तो जल को थोड़ा सा जल से प्रोक्षित कर दे अपने सामने। इस तरीके से भगवान को भोग लगाए, खुद भी खाने के लिए ही मंडल किया जाता है। यथा चक्रायुधो विष्णु त्रैलोक्यम परिरक्षति एवं मंडल तो यंतु सर्वभूतानि रक्षति। इस तरीके से ये जो है जल किया जाता है मंत्र बोल करके। फिर उसके ऊपर भोजन पात्र रखे और उसमें विभिन्न प्रकार के पकवान इत्यादि रखे। तुलसी दल इत्यादि को छोड़ करके एक आचमन कराना चाहिए, खुद भी आचमन यही करने का है। अमृतोपस्थम मसि स्वाहा, खुद भोजन कर तो खुद आचमन करना किया जाता है, देवता कनक देवता को भी। तो नैवेद्यम पुरता संस्थाप्य जलेना भ्योक्ष्या, जल से प्रोक्षित कर दे, गायत्री मंत्र से गंध प्रक्षेपित कर दे, या जो है तुलसी दल इत्यादि भी रख देना चाहिए। तुलसी दल बिल्लो पत्र जैसा भी है, तुलसी पत्र बिल्लो पत्र गंध धैन मुद्रा अमृति कृत्य, ये जो सुरभि मुद्रा है इससे जो है धैन मुद्रा से अमृतीकरण कर देना चाहिए उसके ऊपर। और आत्मन करा दिया, फिर ये प्राण मुद्रा दिखानी चाहिए, तो बाएं हाथ से कमल मुकुल सदृश ऐसे अंजलि को बना, ऐसे आकृति को बना लेना चाहिए, और दाएं हाथ से ये प्राण मुद्रा जो अभी बना के बताएंगे, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, ब्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ऐसे दिखाना चाहिए। अपने लिए भी ऐसे ही भोजन करने का है, वो तो एक ही विधि, यथा देहे तथा देवे। तो ये करने के बाद और फिर घंटा वादन करके और पर्दा इत्यादि लगा के अंतरपटम दत्वा और नैवेद्य निवेदनम, देवता को कितना भोग लगाना चाहिए ये बतलाई दिया गया है। नैवेद्य कितनी देर लगना चाहिए ये भी है, कि जितनी देर तक एक सामान्य व्यक्ति भोजन करता है इतनी देर तक भगवान का भोग लगना चाहिए। और फिर इसके बाद जाकर के गाचमन कराएं, अमृतोपस्थन मसि स्वाहा, अमृता प्रधान मसि स्वाहा, ये बाद में, अमृतोपस्थन मसि स्वाहा ये पहले, अमृता प्रधान मसि स्वाहा ये बाद में, इसी से अपना आचमन करना चाहिए। उपस्थन माने भोजन के लिए मैं आसन देता हूँ, फिर भोजन किया और उसके ऊपर से उसको ढक देता हूँ आचमन के द्वारा, अमृता प्रधान मसि स्वाहा। पिधानम अपिधानम है ना, पिधान और अपिधान, पाणिनि जी के मत से पिधान और भागवत जी के मत से अपिधान, ये दोनों का मतलब होता है ढकना, ये व्याकरण में आता है। तो इस तरीके से भोजन को ढक देना अमृतों में, नीचे भी और ऊपर भी, तो ये देवता को आचमन करा देना है। तो मध्य मध्य पानीयम हस्त प्रक्षालनार्थम मुख प्रक्षालनार्थम गंडूसार्थे च उत्तरा पोषणार्थे जलम दद्यात्। देवता को आचमन के लिए, हाथ धुलने के लिए, कुल्ला करने के लिए है ना, और गंडूस मान होता कुल्ला, ये सब करने के लिए जल देना चाहिए। और फिर भोग को हटा ले और वो जगह है जहाँ भोजन किया उसको सुरक्षित कर दे, स्वच्छ कर दे, पहुँच दे। ऐसा शास्त्रों में है कि जब तक व्यक्ति जो भोजन किया है, भोजन करने के बाद वो जूठा पात्र वहीं रखा है, तब भी वो व्यक्ति अशुद्ध है, कोई भी कर्म करने का अधिकारी नहीं है। जैसे हम लोग भोजन का पात्र वहीं रख करके चले आए, या भोजन का पात्र हट भी गया है, वो जगह स्वच्छ नहीं हुई है, पहुंची नहीं गई है, उसको जो है शुद्ध नहीं किया गया है, तब तक भी वो व्यक्ति अशुद्ध है। इसलिए भोजन पात्र हटे और वहां जहां भोजन किया है वो जगह को शुद्ध किया जाए, तभी भोजन करने वाला वो अगली शास्त्रीय क्रिया करने का अधिकारी होता है। ये वो जो है अधिकारिता व छेदक है, इसलिए वो शुद्धि अवश्य होनी चाहिए। इस तरीके से अपने भी भोजन की विधि है, भोजन सूत्र है पूरा का पूरा, जो जानना चाहते हैं जिज्ञासु हैं वो अपना अपने अपने शाखा का भोजन सूत्र अवश्य पढ़ें और भोजन सूत्र के अनुसार ही फिर अपना भोजन क्रिया करनी चाहिए, और देवताओं को भी वैसे ही वैसे भोग लगाना चाहिए।
हर हर महादेव।